यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। सुनिए शांति से कितना। हाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा होगा। तो महोदय, लेकिन मंत्री जी क्या लाते हैं? अधिकारी का पढ़ा हुआ रिपोर्ट, लिखा हुआ रिपोर्ट, ऊपर देंगे, गड़गड़ गड़गड़ गड़ खत्म हो जाता। अरे भैया, हमारी चिंता दूर कीजिए ना, तब ना पॉजिटिव एक डिबेट होगा, तब ना उसका फायदा होगा इसका। अब कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा, यानी भाग खड़े होते हैं लोग। ये सारा 19-20 का है। नहीं, ये तो बटवाते क्यों है फिर? नहीं नहीं, मानना ही नहीं तो ये बटवाते क्यों सदन में, ले ही क्यों करवाते? थैंक यू, टेकवाई दीजिए। चलिए बोलिए नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, कोई मतलब नहीं हुआ। हम तो अपना बात नहीं ना कि कल्पना कर रहे हैं या अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा किया गया। हम तो जो डेटा है, जो साइंटिफिक डेटा है, जो एजेंसियां है संवैधानिक, उसी की ना बात कर रहे हैं। तो उस पे भी आप लोग सवाल उठा रहे। मतलब सच सुनने का किसी को ताकत नहीं तो मिटवा दीजिए। या तो विजेंद्र जी कह रहे थे हमारे अभिभावक है, अनुभवी है, सब कुछ रह चुके हैं, बस मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन हम उन्हें कहना चाहते, हम ये कहना चाहते, आप एक बात सुन लीजिए, मैं वित्त मंत्री भी रहा हूँ और सुरेंद्र जी आपके अध्यक्ष, मुख्यमंत्री ने हमारे पास CAG का रिपोर्ट। हम चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री जी थोड़ा गौर करें। अगर CAG के रिपोर्ट में अगर उप मुख्यमंत्री जी देखें, ये अध्याय 5 में पेज नंबर 32 पर अगर आप जाइएगा उप मुख्यमंत्री जी, तो इसमें 19-20 का जो CAG का जो रिपोर्ट है, उसमें 19-20 के बारे में विनियोग लेख खे का सार दिया हुआ है। उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो मूल अनुदान जो है, जो 19-20 में था, वो 2,502 करोड़ रुपए का था, और कुल अगर बात की जाए तो 2,28,487 रुपए का था। ये हकीकत है। लेकिन आप उन्हें लास्ट के कॉलम में जाइएगा तो बचत भी होता है, वो 80,000 करोड़ खर्च ही नहीं कर पाए आप लोग, 80,000 करोड़। अब आप देखिए, अब अगर इसका हम आंकड़ा अगर निकालें डिपार्टमेंट वाइज भी, तो मान लीजिए जैसे कृषि विभाग है। अब कृषि विभाग में अगर आप देखें महोदय, तो 41% जो है पैसा खर्च ही नहीं किया गया। सहकारिता विभाग में देखा जाए तो 74% पैसा खर्च नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग में देखा जाए तो 36% नहीं। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग में देखा जाए तो 50% नहीं। स्वास्थ्य विभाग में 31% खर्च नहीं किया गया। शिक्षा विभाग में 32% खर्चा नहीं किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 51% जो है वो खर्चा नहीं किया गया। ऐसे देखा जाए तो टोटल मान लीजिए महोदय कि समझिए कि कहीं 80,000 करोड़ जो है खर्च ही नहीं कर पाए। तो ये बजट जो आप लोग महोदय जो आप लोग पेश करते हैं, तो खर्च क्यों नहीं हो पाता, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। बेरोजगारी है, इतना पद है रिक्त खाली शिक्षा विभाग में, हर विभाग में, क्यों नहीं नौकरी दे करके आप शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में जो देने का काम करते, जब पैसा बचा हुआ है तो ये तो देना ना चाहिए, ये सारा काम करना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं कर पाते। और खूबसूरती है देखिए महोदय, अगर उसी पन्ने में अगर 34 नंबर पे जाइएगा, सॉरी 33 पेज पे जाइएगा, तो मेरा कॉमेंट नहीं है महोदय, उप मुख्यमंत्री जी आप वित्त मंत्री हैं, ये CAG के कमेंट है उसी पेज पे, किसी अनुदान के अंतर्गत लगातार बचत का होना इस बात का घोतक है कि या तो कुछ योजनाएं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हुआ या क्रियान्वयन धीमी गति से हुआ। ये तो मेरा रिपोर्ट नहीं है महोदय, ये तो CAG का कमेंट है। कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचते तथा विशिष्ट बचते निबंधन, ये है जो मैंने आपको विभाग के सारे गिनाए हैं महोदय। अब इंटरेस्टिंग इसमें यह है CAG की रिपोर्ट में 34 नंबर पेज में कि वर्ष 2019-20 के दौरान कुल
21,088 करोड़ का अनुपूरक अनुदान, कुल व्यय का 14% जो कुछ प्राकरणों के अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरुद्ध ही विशिष्ट बचते हुई है तथा अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया। कुछ उदाहरण है जो हम बताना चाहिए, मतलब आपका जो मूल बजट है उसमें इतना बचत हुआ तो फिर अनुपूरक क्यों लेके आते हैं आप लोग, फिर आप लोग अनुपूरक क्यों लेके आते हैं। अब मान लीजिए जैसे राजस्व विभाग का एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि मूल था 2,939 और टोटल वास्तविक व्यय हुआ 2,152, यानी 800 तो ऑलरेडी बचा हुआ है, तो आप लोग अनुपूरक 533 का फिर क्यों लेकर के आए। मतलब मूल में से ही मान लीजिए बजट का है सब लोगों का डिपार्टमेंट के हमको 1,000 रुपया खर्च करना है, ठीक है, तो 1,000 में से मान लीजिए इन्होंने केवल 600 रुपया खर्च किया, 400 रुपया बचा, तो ये अलग से फिर आ जाते पैसा लेने सदन के अंदर कि हमको 200 रुपया और दो। इसका मतलब क्या है महोदय? ऐसी अगर जो भवन निर्माण विभाग में अगर आप देखें तो 4,582 का था, अनुपूरक ही लोग ले आए 574, बल्कि बचत वास्तविक में था 1,385 का बचा हुआ था। ऐसा कितना देखेगा महोदय जो यहाँ बचत है जिसका कोई काम नहीं किया जा रहा। अब इस पे बात किया जाए, हमारे पास कल तक का पिछले बजट का कल तक का खर्च करने का हमारे पास डेटा है महोदय, यानी डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर का लिस्ट हमारे पास है महोदय जो 3 मार्च 2022 तक का है डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर। अब इसमें देखा जाए तो जो लास्ट बजट जो था महोदय, जो पिछला बजट जो था 2,18,302 का था महोदय, 2,18,300 का पिछला बजट था, और आज मतलब कल तक 3 मार्च तक जो है केवल 1,05,107 रुपया ही खर्च किया गया। यह सच्चाई है, ये आप जाइए डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर में कल तक का है 3 मार्च तक का, आप केवल जो है 1,05,107 यानी 48% ही जो है वो पैसा खर्च हुआ, और 48% तब जब आप ट्रांसफर टू पीएल पीडी लिए तब 48%, अगर पीएल पीडी और अदर बीटी हटा दें तो केवल जो खर्चा हुआ केवल 74,468 का हुआ जो कि 34% है। अब आप बताइए आप फिर ले आए हैं 2,38,000 करोड़ का। ये महोदय आश्चर्य है, लोग देखता है सुनता है तो लोग कहता है कि भाई पैसा जाता कहाँ है, ये क्या इन्फ्लेटेड करके बजट बनाया जाता है या भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाता है या मार्च लूट, मार्च लूट महोदय मार्च लूट। अधिकारियों से जरा उप मुख्यमंत्री जी पूछिएगा, हमको भी नहीं पता था मार्च लूट क्या होता है। मार्च लूट ये होता कि हैन तेन हैन गायब, कहाँ गया पैसा। तो सीएजी का जो रिपोर्ट है महोदय इसमें अगर आप देखें सीएजी का वित्त लेखे खंड एक में अगर आप जाइएगा उप मुख्यमंत्री जी महोदय, तो इसमें इसमें साफ है, इसमें साफ है कि 80,000 करोड़ का बिहार सरकार ने 19-20 में कोई हिसाब किताब दिया ही नहीं, खंड एक में दिए। अब बताइए 80,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है कि बिहार सरकार ने उस पैसे का क्या किया। अब बताइए कौन क्या हो रहा है भाई, इसीलिए 80 घोटाले हो जा रहे। कोई अधिकारी कोई मंत्री किसी पर जो है नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय यह सीएजी का रिपोर्ट कब का है? ये 19-20 का है।